बिस्किट कमाल का है। थैंक्स, दरअसल इसे मैंने खास आज के लिए बनाया है। ये नहीं, तुमने जो पहना है वो। हाय, तो तुम्हारी फैशन की दुनिया का क्या हाल है? हाँ, हेलो एश, माफ करना, मुझे अभी अभी एक शॉक मिला। लगता है शायद मेरी फैशन सेंस चली गई है। अब ये देखो, ये फैशनेबल है या मैं पागल हूँ? ओह कम ऑन, तुम्हें ब्रेक की जरूरत है। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, ये हो नहीं सकता, बहुत मुश्किल है कर पाना। लेकिन यार, पहले हम बंदर बन गए थे और अब हम दिख नहीं रहे। चल, इसी बहाने हम थोड़ा मुफ्त का खाना खा पाएंगे। हाँ, जरा देखो तो, बल्कि यहाँ खाने से भरा हुआ बास्केट है और इन लोगों को पता भी नहीं कि हम यहाँ हैं। अरे जरा ये देखो, ये क्या हो रहा है? सैंडविच? हाँ, केचप है। ये कैसे हो सकता है? ड्रिंक के लिए थैंक्स मिस्टर। बचपन में मुझे गायब होने का बहुत मन करता था, ना काम करने की जरूरत, ना कभी नहाने की। हाँ, कोई काम नहीं, कोई नहाना नहीं, हम गायब हैं, गायब हैं, गायब हैं, गायब। कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा मतलब मैंने ये 8th grade में बनाया था। एक्चुअली मुझे तो ये काफी भड़कीला लगता है। सच कहूँ तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। शायद लोग इसे अच्छा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो तुम्हें दुखी नहीं करना चाहते। हाय, 2 drinks प्लीज। ओह, ये जैकेट, मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी है। और डार्लिंग, सच मानो, मैं आप कुछ देख चुकी हूँ। ये एक्चुअली मैंने तो ये डिजाइन क्लास में बनाया था। क्या खोज है! मैं हूँ दिल्ली शाइनी विल, फैशन डीवा। मैं तुम्हारा डिजाइन खरीदना चाहती हूँ। तुम्हारा जैकेट लोगों के लिए ऐसा होगा जैसे कि पेड़ों के लिए पत्ते होते हैं। समझ रही हो ना? अब डार्लिंग, क्या तुम हिस्सा बनना चाहती हो फैशन की दुनिया का? बिल्कुल चाहती हूँ, मैंने डिजाइन क्लास ली है। कुछ मत बोलना, मुझे कॉल करना अगर तुम्हें फैशन डिजाइनर बनना है। तो तुम्हें मौके की आहट को पहचानना होगा। बाय। आहट? मेरे ख्याल से ये मौका तो शोर मचाते हुए आया है। अब ये जैकेट्स, इन्हें हर तरफ मशहूर कर दो। मैं चाहती हूँ एंजल ग्रोव में हर कोई उसे पहनने के लिए लड़े, खास कर की वो रेंजर्स। जैकेट्स पर ये गुस्से का पोषण लगा रहे हैं। बहुत अच्छे। मुझे अच्छा लग रहा है। मुझे भूख लग रही है। मुझे ऐसा कुछ चाहिए जिससे कस्टमर वापस आते रहे, जैसे बच्चे कैंडी के लिए आते हैं। कुछ चूजा? चॉकलेट, बहुत अच्छे। ये कमाल के बनेंगे। और जब वो पावर रेंजर्स इन्हें पहनेंगे, ओ, समझो उनके दिन खत्म। अच्छा है, शुक्र है आप खुश हैं। मैंने हफ्तों से ये कैंडी बार बचा कर रखा है, शायद ये अब तक पिघला नहीं है। और अब मेरी आज तक की सबसे अच्छी ट्रिक। अभी मैं दिख रहा हूँ और अभी नहीं। ओ, 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 ओ,
ये तो बकवास है। बदतमीजी मत करो। तुम बेकार हो। ये क्या कर रहे हो? रखो अपना डॉलर, मुझे जाने दो। अरे जरा वहाँ देखो। हम चलें। हमें भी तो फैशनेबल बनने का पूरा हक है। अच्छा ठीक है, ऐसी बात है ना, तो चलकर घर आना। आज तो लोगों का मूड काफी खराब है। हाँ, जैसे कि तुम हमेशा अच्छे मूड में होते हो, तो चुप ही रहो। बदमाश कहेंगे? ओ बेचारे, वो रेंजर्स गुस्सा करने में इतने बिजी हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा जब मैं म्यूजियम में रखे उन हीरो को लेने जाऊंगी। और उनकी डिलीवरी आज ही है। जरा उन बक्सों को संभल कर उठाना। अच्छा, कितने बक्से हैं? क्या बात है, अरे यहाँ क्या हो रहा है? चलो साथियों, इन्हें लूटना शुरू करो। अल्फा, बाकी सब कहाँ है? कुछ गड़बड़ है, वो जवाब नहीं दे रहे। टीजे, कार्लोस, जवाब दो। मैं पता लगाती हूँ कि क्या हो रहा है। नहीं, म्यूजियम में चोरी हो रही है। पहले तुम्हें जाकर डिवोडॉक्स को रोकना होगा। अकेले तुम ये कर सकती हो एशली। चलो हो जाएगा वो। चलो ये बक्से खोलते रहो, शायद इसमें कोई वीडियो गेम हो। एक झुंझुना। अब बस करो अपनी मनमानी। नहीं तो हमें कौन रुकेगा? तुम, वो भी अकेली। अल्फा, मुझे मदद की जरूरत है। सॉरी एशली, तुम्हें अकेले ही संभालना होगा। ओ, तुम तो चेन से खेल रही हो। अब ऐसे काट दो। देखा ना मेरा कमाल, उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया एल्गार। हमें खजाने को वहाँ से बाहर निकालना होगा, इनकी मदद करो। मेरी पीठ में दर्द है, चलो यहाँ ऊपर आओ निकम्मो, ये दरवाजा खोलो। दोस्तों, क्या हुआ, तुम लोग मेरी मदद करने क्यों नहीं आए? क्या कहा, तुम्हारी मदद नहीं की? मैंने ये जैकेट खरीद कर तुम्हारी मदद की है। मैंने भी, और मुझे तो ये एकदम घटिया लग रहा है। फिक्र मत करो एशली, मुझे तुम्हारा जैकेट नहीं पसंद। पांच में से चार तो अब गए। उस येलो रेंजर से निपटना आसान नहीं होगा। मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे उनके होश ही उड़ जाए। मैं आपकी मदद करता हूँ मैडम, रुक जाइए प्लीज, आप आइए। ब्लू सेंटुरियन, अब अगर वो एक कोट पहन ले तो बहुत अच्छे। कभी कभी मैं खुद को ही चौंका देती हूँ। मत करो मुझसे, ये मेरा कोट है। साथ तो आना ही नहीं चाहिए। बदतमीजी से बात मत करो। अब आएगा असली मजा। ये क्या? मदद करके खुशी हुई। और ये क्या? वो औरत मुसीबत में है। रास्ते से हटो। मैं आपको बचाऊंगा मैम। मैं आ रहा हूँ मैम। ये हो क्या रहा है?
आपको जरा देख कर चलना चाहिए। डार्लिंग, तुमने मेरी जान बचाई, इस एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊं? उसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं मैम, नहीं नहीं, वाकई मैं ये नहीं ले सकता। ओह, येलो मेरा फेवरेट कलर है, मैं ये नहीं ले सकता। ओ नहीं, बस एक बार इसे पहनाने तो दो। अच्छा ठीक है। ओ जरा देखो तो। ओ, ओ। तो आपका क्या ख्याल है, मुझ पर जच रहा है? तुम तो लग रहे हो एक शानदार योद्धा घोड़े पर सवार। नहीं, घोड़े को निकाल दो। हाँ, मुझे अच्छा लगा पर मैं नहीं ले सकता। क्यों नहीं, मैं इंसानों के लिए काफी सोच चुका हूँ, एक बार खुद के लिए नहीं सोच सकता? वो आदमी रास्ते पर उधम मचा रहा है। क्या अब तो वो क्या? जवाब दो, जवाब दो। क्या बात है अल्फा? यो एशली, क्या हुआ, तुम रो रही हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। ब्लू सेंचुरियन पगला गया है और बाकी रेंजर्स भी जवाब नहीं दे रहे। फिक्र मत करो अल्फा, मैं अभी जाती हूँ। मुझे पता था तुम जाने से नहीं कतराओगी। ब्लू सेंचुरियन, तुमने वो जैकेट क्यों पहन रखा है? क्या, अच्छा तो तुम्हें मेरा जैकेट चाहिए? हा? ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। सभी ने वो जैकेट पहन रखे हैं। आखिरकार अब मैं फैशन का मतलब जान गया। अल्फा, बाकी सब इस वक्त कहाँ हैं? रुको 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 रुको। फिर से नहीं, अब तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मुझे अपने जैकेट दे दो। कभी नहीं, जाओ यहाँ से। हाँ, हमने इनके लिए काफी पैसे खर्च किए हैं। ठीक है, पर मैं डबल कीमत नहीं दूंगी। वो चोर इन जैकेट के ज्यादा पैसे ले रहा है। वैसे भी कैसी, उसने तुम्हें गलत साइज बेची है। क्या? और जस्टिन, वो लड़कियों का जैकेट है। हाँ, ये लड़कियों का है। अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी जागा हूँ। एशली, तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुम सबको बहुत मिस किया। यहाँ हो क्या रहा है? समझाने का वक्त नहीं है, ब्लू सेंटुरियन मुसीबत में है। ब्लू सेंटुरियन, चलो चले। आ जाओ दोस्तों। अरे मामला सीरियस। हाँ। चलो हो जाए टर्बो। हे ब्लू सेंटुरियन, बस करो। सही कहा। बस तुम्हारी बात सुनो, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। रेंजर्स, चलो दोस्तों अपने दोस्त को होश में ले आए। ठीक है, पावर रेंजर्स, ये देखने में मजा आएगा। तुम मेरा स्टाइल नहीं बिगाड़ सकते। रोबो रेसर ऑनलाइन। मैं उन्हें दिखाता हूँ कैसे तैयार होते हैं। रोबो रेसर बैटल मोड अभी। चलो बनाए टर्बो मेगाजॉर्ड। टर्बो अप। से वो जैकेट हटाना होगा। हाँ, वो तो बड़ी साइज में और भी भद्दा लग रहा है। मुझे तो इन जैकेट्स को डिजाइन करने का पछतावा होने लगा है। मैं कुछ ट्राई करने वाला हूँ, तुम मेगाजॉर्ड को संभालना।
गया है। ब्लू सेंटुरियन, दूर रहो। कोई फायदा नहीं, मुझे इसका पावर पैक निकालना होगा। हाँ, वो कौन? सॉरी दोस्त, पर ये जैकेट तुम पर जचता नहीं। फिक्र मत करो, सब ठीक है। मैं बहुत बुरा सपना देख रहा था। जानता हूँ, हम भी देख रहे थे, पर हमें कुछ और मुसीबतों से निपटना है। हाँ, हमें गुनहगारों को सजा देनी है। चलो हो जाए। पहले उस भद्दे कपड़े को रोबो रेसर पर से हटाया जाए। सूख रही है, हम बंद हो रहे हैं। चलो ये फैशन शो खत्म करें। हाँ डीजे, शुरू होता है मेगाजॉन ब्लास्टर मोड। सिनर्जाइज़र ब्लास्टर मोड। टर्बो मेगाजॉन spin off! सच कहो, किसी को मेरे जैकेट्स पसंद नहीं थे? नहीं, पर तुम्हें भी तो नहीं थे। सही कहा, शायद मुझे अपने दिल की बात सुननी चाहिए, और अगली बार अगर कोई बात कुछ ज्यादा ही अच्छी लगे तो समझो गड़बड़ है। सब ठीक है? बर्गर्स और फ्राइज, एंजॉय। खाना तैयार है। अरे कल ये बंदा मेरे आर पार देख रहा है। रहस्यमयी उड़ता हुआ फ्रेंच फ्राई गायब। हाँ, अब उड़ता हुआ बर्गर गायब। रहस्यमयी उड़ता हुआ मिल्क शेक। स्कलाविच, बहुत फायर। कितने दिनों बाद तुम्हें देख रहा हूँ। तुम दोनों कहाँ गायब हो गए थे? हम तो बस घूमने गए थे। तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। थैंक्स जेरोम।